चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाषी गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई गए देवशुभाष् गांगुली द्वारा को अभिनीति किए छकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुर के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है है जो बदले में वह बदला, दे, बदला लेता है। और पूजा के, पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फेंकना में बताया गया है देव अबीर की अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभा श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में कंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल टाक्यू मूल्य से सत्ताइस फरवरी दो हजार उन्नीस को संग्रहित पांच मार्च 2009 को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बंगाली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदिनीपुरी पश्चि बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रियवर्ष दो हजार छः इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सुप्रि सूची कैशपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार छः की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लोप संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्विप्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्र प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू और एन इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सारके सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी मां एक गृहिणी थी उनको उसका नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को अनिबरन के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का, भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार्द फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेगर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस, इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे, थे। तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देशित की गई गए देवशुभा गांगुली द्वारा इसको अभिनीति की छायांकर स्वामिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो हज़ार नौ फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अभिर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला, बदला लेता है और पूजा के, पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक हो जाते हैं फैंकना में बताया गया देव अबीर की अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभाष श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में देर गंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत से तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल्यू कौम मूल्य सत्ताईस फरवरी दो हज़ार को संग्रहित पाँच मार्च 2009 को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में बंगाल भारत में हुआ था दूसरा नाम राजू था इनका अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक था, की था। 2006 दो हजार राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सुपुर सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार की फिल्म अग्निपथ में अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लो संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यवसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्विप्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्र प्रहार व सिनेमा अवार्ड्स कलाकार फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फेयर अवार्ड्स ईस्ट 2017 और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सार सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व है जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को कैश, कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी मां गृहिणी थी उनको उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को अनिबरन के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार फाइनल अटैक में बाहर गए जहां जहाँ नाना पटेघर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे, थे। तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई गए देवशुभाष् गांगुली द्वारा को अभिनी की छयकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबिर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुर के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है है जो बदले में वह बदला, दे, बदला लेता है। और पूजा के, पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फेंकना में बताया गया है देव अबीर की अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभा श्री गांगुली नजर आई है रजत रजत दत्ता अग्निदेव सेन पूजा के पिता उद्योगपति के स्थानीय डोन के रूप में पूजा की माँ के रूप में तु, तु, तुलिका बसु अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में कंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कलक टाक्यू मूल्य से फरवरी दो हज़ार उन्नीस को संग्रहित पाँच मार्च 2009 को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदिनीपुरी पश्चि बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रियवर्ष दो हजार छः इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सुप्रि सूची कैशपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार छः की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लोप संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता थी। के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कुएल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्विप्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्र प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू और एन इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रसिद्ध प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानय सम्मान जीतने के लिए ट्रेल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस डांस बंगला में 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 मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा सदस्य में दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को कैश, कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरुदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी मां एक थी उनको उसका नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को अनिबरन के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का, भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेगर शूटिंग पर, पर रहे थे उन्होंने इस, इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देशित की गई गए देवशुभा गांगुली द्वारा इसको अभिनीति की छायांकर स्वामिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो हज़ार नौ फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अभिर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है यह पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल बदल लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अभिर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक हो जाते हैं फेंगना में बताया गया है देव अभिर की अभिर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभाष श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्दी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में कंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत से तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल्यू कौम मूल्य सत्ताईस फरवरी दो हज़ार को संग्रहित पाँच मार्च दो को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदिनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ탄 इनका दूसरा नाम राजू था इनका व्यवसाय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष 2006 तक इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लो संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यवसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिंद हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्वीप प्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड फिल्मेयर अवार्ड फिल्मेयर अवार्ड ईस्ट टू थाउजेंड से एन बी सी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस कैश, सौ बयासी के पास एक छोटे से गांव में मैशा में अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था। उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक थी उन उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो हज़ार पंद्रह को अनिबर्ग अनिबरण के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक समर्थक देने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने ननारा पटेकर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वे उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के परक और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टाजन द वंडरकार के सेट पर प्रेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की के एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई देव सुभाष्री गांगुली द्वारा उसको अभिनीति की छायांकर स्वामिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर, क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु, के गुरु का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वह उसके उसके साथ, साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल, बदला लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फैंकना में बताया गया है। देव अबीर के अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुबह श्री गांगुली नजर आई है रजत रजत दत्ता अभी अग्निदेव सेन पूजा के पिता वह उद्योगपति के स्थानीय डोन के रूप में पूजा की माँ के रूप में बसु अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाभोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियो दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में देर गंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक शिकलव है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया है कि चैलेंज 2009 हजार नौ कलक मूल्य सिंह सत्ताइस फरवरी दो हज़ार उन्नीस दो हजार नौ को संग्रहित पाँच मार्च दो हजार नौ को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बंगाली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष दो हजार इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लॉप संबंधी हुई आई लव यू और पायल में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमि भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता थी। के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रिमेक फिल्म मामूसी रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का चैलेंज शामिल खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्रप्रहार टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हज़ार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी उनको। उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन कौन अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को पंद्रह को अनिबर के साथ गई उन्होंने किशोर समय अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार्द फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेघर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वह अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देशित की है। देव सुभाषुरी गांगुली द्वारा इसको अभिनीति की छायांकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर, क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जुनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु के गुर्गों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके सा, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल बदला लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फैंकना में बताया गया है देव अबीर के अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभा श्री गांगुली नजर आई है रजत रजत दत्ता अभि अग्निदेव सेन पूजा के पिता वह उद्योगपति के स्थानीय डोन के रूप में पूजा की माँ के रूप में तुलिका बसु अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाभोनी के रूप में गोपाल के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रंजन रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ने ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय ने किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हज़ार नौ कलक्यू कौम सत्ताईस फरवरी दो हज़ार उन्नीस दो हजार नौ को संग्रहित पाँच मार्च दो हज़ार नौ को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष 2006 तक इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तड़मूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लॉप संबंधी हुई आई लव यू और पायल में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यवसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता थी। के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल, कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्विप्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्रप्रहार टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औषध अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हज़ार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा कर देते और उनकी माँ एक गृहणी थी उनको। उसका उपनाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो हजार पंद्रह को साथ होगी उन्होंने किशोर स्वामी अमित कपूर ने एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार्द फाइनल अटैक में बाहर गए जहाँ नाना पटेघर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वे उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टाजन द वंडर कार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई देव सुभाष्री गांगुली द्वारा उसको अभिनी की छायांकर स्वामिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली बेंगोली भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर, क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु, के गुरु का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वह उसके सा, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल, बदला लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फैंकना में बताया गया देव अबीर के अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुबह श्री गांगुली नजर आई है रजत रजत दत्ता अभी अग्निदेव सेन पूजा के पिता वह उद्योगपति के स्थानीय डोन के रूप में पूजा की माँ के रूप में का बसु अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाभोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियो दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में देर गंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हज़ार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक शिकलव है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया है कि चैलेंज 2009 हजार नौ कलक मूल्य सिंह सत्ताईस फरवरी दो हज़ार उन्नीस दो हजार नौ को संग्रहित पाँच मार्च दो हजार नौ को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बंगाली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष दो हजार इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लॉप संबंधी हुई आई लव यू और पायल में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमि भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने थी, थी। के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का चैलेंज शामिल खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्रप्रहार टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हज़ार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी उनको। उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन कौन अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को पंद्रह को अनिबर के साथ गई उन्होंने किशोर समय अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार्द फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेगर शूटिंग पर, पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देशित की गए देवशुभा गांगुली द्वारा इसको अभिनीति की छायांकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो हजार नौ फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अभिर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है यह पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल बदल लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अभिर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक हो जाते हैं फेंगना में बताया गया है देव अभिर की अभिर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभाष श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में कंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल्यू कौम मूल्य सत्ताईस फरवरी दो हज़ार को संग्रहित पाँच मार्च दो को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष दो हजार थी इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सुपरी सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लो संबंधी हुई आई लव यू कोर पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यवसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्वीप प्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स टू थाउजेंड से एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी के पास एक छोटे से गांव में मैशा में अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था। उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक थी उन उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो हज़ार पंद्रह को अनिबर्ग अनिबरण के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक समर्थक देने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने ननारा पटेकर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि यह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टाजन द कार के सेट पर प्रेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की के एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई देव सुभाष् गांगुली द्वारा इसको अभिनीति की छायांकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम 140 मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहां पर क्रू क्रूर, क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु, के गुरु का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वह उसके उसके साथ, साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल, बदला लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फैंकना में बताया गया देव अबीर के अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुबह श्री गांगुली नजर आई है रजत रजत दत्ता अभी अग्निदेव सेन पूजा के पिता वह उद्योगपति के स्थानीय डोन के रूप में पूजा की माँ के रूप में का बसु अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाभोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियो दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में देर गंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक शिकलव है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया है कि चैलेंज 2009 हजार नौ कलक मूल्य से सत्ताइस फरवरी दो हज़ार उन्नीस दो हजार नौ को संग्रहित पाँच मार्च दो हजार नौ को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बंगाली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष दो हजार इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लॉप संबंधी हुई आई लव यू और पायल में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमि भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने थी, थी। के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रिमेक फिल्म मामूसी रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का चैलेंज शामिल खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्रप्रहार टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हज़ार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन 1982 को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी उनको। उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन कौन अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को अनिबर के साथ गई उन्होंने किशोर समय अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक समक्षक दे के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार्द फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेगर शूटिंग पर, पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देशित की गए देवशुभा गांगुली द्वारा को अभिनीति की छायांकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो हजार नौ फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अभिर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है यह पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल बदल लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अभिर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक हो जाते हैं फेंगना में बताया गया है देव अभिर की अभिर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभाष श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में कंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत से तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल टाक्यू मूल्य सत्ताईस फरवरी दो हज़ार को संग्रहित पाँच मार्च दो को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी बची बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष 2006 तक इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तड़मूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लो संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यवसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक वे ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्विप्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू और एन इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि है जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी कोशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था। उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक थी उन उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो हज़ार पंद्रह को अनिबर्ग अनिबरण के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेगर शूटिंग पर पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वे उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के परक और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टाजन द कार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की के एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई देव सुभाष्री गांगुली द्वारा उसको अभिनीति की छायांकर स्वामिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम 140 मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहां पर क्रू क्रूर, क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु, के गुरु का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वह उसके सा, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है या पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल, बदला लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फैंकना में बताया गया देव अबीर के अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुबह श्री गांगुली नजर आई है रजत रजत दत्ता अभी अग्निदेव सेन पूजा के पिता वह उद्योगपति के स्थानीय डोन के रूप में पूजा की माँ के रूप में तुली का बसु अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाभोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में देर गंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राधा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक शिकलव है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया है कि चैलेंज 2009 हजार नौ कलक मूल्य सिंह सत्ताईस फरवरी दो हज़ार उन्नीस दो हजार नौ को संग्रहित पाँच मार्च दो हजार नौ को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बंगाली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष दो हजार इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लॉप संबंधी हुई आई लव यू और पायल में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने थी, थी। के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रिमेक फिल्म मामूसी रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यवसायिक सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का चैलेंज शामिल खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्रप्रहार टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की, की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हज़ार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी उनको। उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को अनिबर के साथ गई उन्होंने किशोर समय अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार्द फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेगर शूटिंग पर, पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाष्री गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देशित की गई गए देवशुभा गांगुली द्वारा इसको अभिनीति की छायांकर स्वामिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो हज़ार नौ फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चालीस मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर, क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुरु के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है यह पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल बदल लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अभिर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक हो जाते हैं फेंगना में बताया गया है देव अभिर की अभिर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में सुभाष श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में पोचा के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम, तमाय रॉय चौधरी और बसहारी के रूप में कंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल्यू कौम मूल्य सत्ताईस फरवरी दो हज़ार को संग्रहित पाँच मार्च 2009 को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बेंगोली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदीनीपुरी बची बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रिय वर्ष 2006 तक इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तड़मूल कांग्रेस पुरस्कार सूची कैसपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यवसायिक फ्लो संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यवसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक वे ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्र प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फेयर अवार्ड ईस्ट फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सार सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो में डांस बंगला डांस में मैटर में भी रह चुके हैं वे लोकसभा में सदस्य में जो चौदह दो हजार चौदह पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घाटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व है जीवन और पृष्ठभूमि देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को कैश कैशपुर के पास एक छोटे से गांव में मैशा में दास गुरदास अधिकारी के और मौसमी अधिकारी के हुआ था उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और उनकी माँ गृहिणी थी उनको उसका अपना नाम राजू था उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के यहाँ बिताया था बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया वहाँ वे एक अच्छे छात्र थे उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी नौ अगस्त दो को अनिबरण के साथ होगी उन्होंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग का, भी का कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक देव ने के साथ किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार फाइनल अटैक में बाहर गए जहां उन्होंने नाना पटेघर शूटिंग पर, पर रहे थे उन्होंने इस इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम 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 की तरह से महसूस नहीं किया एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला हालांकि वह उसका उनका पहला था लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्षर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के, और के पर और प्रकाश झा के सेट पर अन्य लोगों के साथ जाते थे कई बार उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे, थे। तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे लेकिन वे अपने पिता के लिए की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे उन्होंने यह भी कहा कि वे कई बार थाली धोते थे और खाना परोसते थे भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान टारजन द वंडरकार के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अगले अपना फिल्म कैरियर शुरुआत किया चैलेंज बंगाली मूवी के फैक्ट्स और रिव्यू चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है फिल्म में देव और सुभाषी गांगुली कुछ दृश्यों और संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है फिल्म के निर्देशक राज चक्रवर्ती फिल्म के पटकथा एन के सालिनों ने की है श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्देश की गई गए देवशुभाष् गांगुली द्वारा को अभिनी की छायंकर सौमिक हलदार द्वारा दिया गया संगीत जीत गांगुली द्वारा दिए गए और रिलीज की डेट है बीस मार्च दो फिल्म का कार्यक्रम एक मिनट का है देश भारत की है भाषा बंगाली है भूखंड में बताया गया कि अबिर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहाँ पर क्रू क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा रह पढ़ रही थी उसके पिता पूजा की देखभाल करने में बहुत ही जनूनी और रूढ़िवादी है अगर कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं था अबीर की छात्रा अबीर को छात्रों का एक झुंड परेशान करता है और बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है वह अपने पिता को के गुर के गुरुगों का भी सामना करता है और छात्रों से उनकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सारी सॉरी कहता है यह पूजा द्वारा देखा जाता है कि वह उससे प्रभावित हो जाती है उसे उस समय प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदला दिल बदल लेता है और पूजा के पूजा के पिता ने बताया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के, के बाद एक हो जाते हैं फेंकना में बताया गया है देव अबीर की अबीर के रूप में किरदार में नजर आया है पूजा के रूप में शुभा श्री गांगुली नजर आई है दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती अमीर की मां के रूप में लाबोनी सरकार प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में सुप्रियु दत्ता कीर्तिक दास के रूप में के रूप में परसून गैंग प्रदीप कार्तिक के सहायक के रूप में रजन, रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी पूजा के नाना के रूप में लम रॉय चौधरी और के रूप में देर गंगा परिणाम में चैलेंज चैलेंज टू एक दो हजार बारह की भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है यह फिल्म दो हजार नौ की बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक क्लब है जीत गांगुली ने संगीत तैयार किए गए गीत प्रियो चट्टोपाध्याय और दीपांशु आचार्य अभिमुन्यु मुखर्जी निचिकेता चक्रवर्ती गौतम सुष्मिता द्वारा चैलेंज किए गए थे संदर्भ में बताया गया कि चैलेंज 2009 हजार नौ कल टाक्यू मूल्य से सत्ताइस फरवरी दो हजार उन्नीस को संग्रहित पांच मार्च दो को लिया गया था इसके बाद बताया गया है कि देव देव एक बंगाली एक्टर्स और निर्माता और गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें जिन्हें टॉलीवुड में के में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक वह प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में मालिक है देव का जन्म पच्चीस दिसंबर सन उन्नीस सौ बयासी को केशपुर पश्चिम में मोदिनीपुरी पश्चि बंगाल भारत में हुआ था इनका दूसरा नाम राजू था इनका विषय अभिनेता फिल्म लेखक निर्माता राजनीतिक की था सक्रियवर्ष दो हजार छः इनकी राजनीतिक दल था अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पुरस्कार सुप्रि सूची कैशपुर में जन्मे उन्होंने दो हजार छः की फिल्म अग्निपथ में अग्नि से अभिनय की शुरुआत की फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक स्लोभ संबंधी हुई आई लव यू और पायल सर... में पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी रवि किनिंगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से असफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द ही थी सफलता थी। के बावजूद देव को अगले चौदह महीनों तक कोई काम नहीं मिला उन्होंने कोयल कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी में के साथ मिलकर स्क्रीन पर वापसी की उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया कन्नड़ हिट मंगा मुगारू माले की रीमेक फिल्म मामूसी मामूली सफल रही देश को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप सफलता के लिए खुला उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें ले चक्का द्विप्रति भी पगलू चैलेंज टू शामिल है खोखा चार सौ बीस रंगबाज और चंद्र प्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट फेयर अवार्ड्स ईस्ट टू और एन इंटरनेशनल बंगला अवार्ड टू जैसे कई पुरस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेता में से एक बना दिया है बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन देव देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सारके सरकार ने महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रायल किया था देव मिथुन चक्रवर्ती की